ओम नमः शिवाय। देखिए, हाथ के अंदर ट्रायंगल का निशान, स्क्वायर का निशान, फिश का निशान, स्टार का निशान, ऐसे बहुत सारे निशान होते हैं जिनके अलग अलग मतलब होते हैं। तो आज बात करेंगे स्टार के निशान के बारे में। स्टार यानी तारे का निशान अगर हाथ में किसी जगह पर हो तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, आज इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि तारे या स्टार का निशान का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी हाथ में इस तरीके का निशान बन रहा है कहीं पर भी, तो ये स्टार या तारे का निशान होता है। ये मैंने थोड़ा बराबर नहीं बनाया है, नॉर्मली इस तरीके का निशान बन रहा होता है। तो मान लीजिए अगर ये निशान आपके जुपिटर बृहस्पति के पर्वत के ऊपर या इस जगह पर, मान लीजिए इस तरह से तारे का निशान बन रहा है, इसका मतलब है उस व्यक्ति को समाज में ऊंचा पद मिल सकता है, सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, समाज में वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाता है। और अगर ऐसे इंसान की लक लाइन, भाग्य रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है, या सूर्य की उंगली के नीचे की जो रेखा है वो भी अगर ऐसे इंसान की अच्छी है और साथ ही साथ उसके यहाँ तारे का निशान है, तो ऐसा इंसान अक्सर बहुत ही ज़्यादा बड़े लोगों से, ऐसे इंसान को सहयोग मिलता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का उसे पूरा पूरा अवसर मिलता है सोसाइटी में, और बहुत ही ज़्यादा सम्मान की प्राप्ति भी होती है ऐसे इंसान को। तो जुपिटर के पर्वत पर एक तारे का निशान होना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत निशान है ये, और ऐसा इंसान ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की करता है। आप अक्सर बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के, पॉलिटिशियंस के हाथ में इस तरीके का तारे का निशान पा सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि, ये जो शनि है, शनि के ऊपर अगर तारे का निशान बन रहा है, मान लीजिए इस माउंट के नीचे बन रहा है, ये शनि की उंगली है, शनि की उंगली के नीचे अगर ऐसा निशान बन रहा है तारे का, ये एक अच्छा निशान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अक्सर ये जो तारे का निशान लोगों को नेगेटिव थॉट्स देता है, नेगेटिव थिंकिंग देता है। क्रिमिनल्स जो हैं, जो अपराधी जन हैं, उनके अक्सर हाथों पर इस तरीके का स्टार का निशान या इस तरह की कुछ उलझलूल लाइनें शनि के नीचे आपको मिल सकती हैं। अक्सर जो ज़िंदगी में लोग समय के हाथों कठपुतली बन जाते हैं और कुछ अजीबोगरीब हरकतें करते हैं अपने दिमाग पर, जिन्हें कंट्रोल नहीं रहता है और खूंखार अपराधी बन जाते हैं, अक्सर उनके भी हाथों में इस तरीके का तारे का निशान पाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की उंगली की बात करते हैं। मान लीजिए ये सूर्य की उंगली, अगर इसके नीचे आपको कुछ स्टार का निशान नज़र आ रहा है, तो अक्सर बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस के हेड होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं के जो नेता होते हैं, या उनके जो अक्सर जो बड़ी संस्थाओं को हेड करते हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, अक्सर उन लोगों के हाथ में ऐसा निशान होता है। इन लोगों के पास काफ़ी वेल्थ, मतलब प्रॉपर्टी और पैसा ज़रूर आता है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी, ऐसे लोग इतना सब मिलने के बावजूद भी दिल से खुश नहीं रहते हैं, और अक्सर काफ़ी ज़्यादा उम्र बीतने के बाद ही उनको इस तरीके का जो है खूब सारी प्रॉपर्टी और पैसा मिलता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग तरक्की तो बहुत ऊपर कर जाते हैं, काफ़ी पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो मन की शांति नहीं उनको मिलती। तो ये जो निशान है ये उन्हें तरक्की ज़रूर देगा। बड़े बड़े जो लोग पदों पे पहुंच जाते हैं वो, और साथ ही साथ उनकी सन लाइन, ये जो सन लाइन अगर ये भी साथ साथ अच्छी है, तो ऐसे लोगों को फेम, प्रसिद्धि और इज्जत भी मिलती है। अक्सर लिटरेचर के फील्ड में भी ये लोग काफ़ी नाम कमाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुध, ये बुध का पर्वत है। अगर यहाँ पर आपको कोई तारे का निशान नज़र आता है, ऐसे लोग एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं, साइंस विज्ञान में, कॉमर्स में, वाणिज्य के क्षेत्र में ये लोग काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमत्ता से काम करते हैं, और आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि भी कमाते हैं, और इन लोगों को इसी तरह के लोगों का साथ भी मिलता है, मतलब ज्ञानी लोगों का, विज्ञानी लोगों का साथ भी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल का पर्वत, ये जो, देखिए मंगल हमारे हाथ में दो जगह होता है, एक यहाँ पर और एक इस जगह पर, तो मैं इसकी बात कर रही हूँ यहाँ पर।
अगर इस मंगल पे लोगों को कहीं किसी हाथ में आप देखें कि स्टार का, तारे का निशान है, तो अक्सर ऐसे लोगों को बहादुरी का, गैलेंट्री अवार्ड्स मिल सकता है। ये लोग आर्मी या पुलिस ऑफिशियल भी हो सकते हैं और उस क्षेत्र में जाके उनको एक लोगों में मान सम्मान मिलेगा और बहादुरी का पदक से जो अवार्ड्स होते हैं उससे उन्हें सम्मानित किया जा सकता है। लेकिन अगर ये साथ ही साथ इनकी माइंड लाइन जो वो थोड़ी ठीक नहीं, यहाँ पे तारे का निशान है लेकिन माइंड लाइन ठीक नहीं है, तो ऐसे लोग सुसाइडल थॉट वाले भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अति, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। तो अगर माइंड लाइन साथ नहीं दे रही है, इस तारे के साथ माइंड लाइन स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ये तारे का निशान कभी कभी बुरी चीज़ें भी ला सकता है, जैसे सुसाइडल या मरने की थॉट्स भी ऐसे इंसानों को आ सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मून के ऊपर चलते हैं। मून का एरिया ये होता है, अगर यहाँ पर तारे का निशान है तो ये जो तारे का निशान है ये आमतौर पर आर्टिस्टिक बनाता है, म्यूज़िक में, पोइट्री में, कविताओं में, लिखने में, काफ़ी भावनात्मक बना देता है लोगों को, और वो ऐसे लोग अक्सर नाम भी कमाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीनस माउंट पर पहुँचते हैं। वीनस माउंट ये है, अगर यहाँ पर कहीं तारे का निशान बन रहा है, ऐसे लोगों को अक्सर ऑपोजिट सेक्स से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, विपरीत लिंग से, यानी कि अगर वो महिला हैं तो उनको पुरुषों से सहयोग मिलेगा और पुरुष हैं तो महिलाओं से काफ़ी सहयोग मिलेगा। अक्सर ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, ये लोग बड़े बड़े अभिनेता या स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी स्टार या तारे के चिन्ह के बारे में, यदि वो हाथ में हो तो क्या शुभ या अशुभ परिणाम लेके आ सकता है। चलिए फिर एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं, एक नए एपिसोड के साथ मिलते हैं। देखते रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि क्यों पसंद नहीं आ रहा है। ओम नमः शिवाय।